कोब वेब 2023 में बनी एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है और यह एक ऐसे युवा लड़के की कहानी है जिसे अति सुरक्षात्मक माता पिता द्वारा पाला गया है जो अचानक अपने बेडरूम की दीवार के पीछे से आने वाली आवाज़ सुनता है। पीटर एक शर्मिला बदमाशी का शिकार 8 वर्षीय लड़का है जो अपने दबंग लेकिन भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले माता पिता कैरोल और मार्क के साथ रहता है। वह अपने स्थानापन्न शिक्षिका मिस डिवाइन से सहानुभूति अर्जित करता है। पीटर हैलोवीन की रात ट्रिक आर्ट ट्रीटिंग पर जाना चाहता है लेकिन उसके माता पिता कई साल पहले एक छोटी लड़की के लापता होने के कारण मना कर देते हैं। उस रात बाद में पीटर को उसके बेडरूम में दीवार के अंदर से टैपिंग की आवाज़ से जगाया जाता है। उसके माता पिता इन घटनाओं से इनकार करते हैं और जोर देते हैं कि वह कल्पना कर रहा है। अगले कुछ दिन में पीटर दीवार से आने वाली आवाज़ से बात करता है। आवाज़ खुद को उसकी बहन बताती है और उसे पीटर के माता पिता ने दीवार में फंसा दिया था और उन्हें दुष्ट कहती है। मिस डिवाइन एक तस्वीर देखने के बाद चिंतित हो जाती है जिसमें पीटर बिस्तर पर खुद को डरा हुआ दिखाता है और उस पर मेरी मदद करो लिखा होता है। और कैरोल पीटर को अपने भ्रम को अपने शिक्षक के सामने लाने के लिए डांटती है। जब वह अपने कद्दू की कटाई कर रहा था तो उसने एक बच्चे के कंकाल के अवशेष को खोदा। स्कूल में ब्रायन एक बदमाश लड़का पीटर के पुरस्कार वाले कद्दू को नष्ट कर देता है। आवाज की सलाह से प्रेरित होकर पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। यह जानने के बाद कि पीटर को स्कूल से निकाल दिया गया है, पीटर के माता पिता उसे तहखाने में बंद कर देते हैं जहां उसे एक जाली से ढका हुआ गड्ढा मिलता है। मिस डिवाइन पीटर की जाँच करती है लेकिन मार्क द्वारा उसे डराया जाता है और भगा दिया जाता है जिसके हाथ पर एक घाव है। बाद में पीटर को तहखाने से रिहा किया जाने के बाद आवाज बताती है कि वह पीटर की बड़ी बहन सारा है जिसे उसके माता पिता ने यह तय करके बंद कर दिया था कि वे अब उसे और नहीं चाहते। कैरोल और मार्क ने उसे कैद करने के लिए हैलोवीन का दिन चुना था और वह लड़की जो सालों पहले लापता हो गई थी वह एक ट्रिक आर्ट ट्रीटर थी जिसे उन्होंने सारा की मदद के लिए काल का जवाब देने के प्रयास के बाद मार डाला था। वह पीटर को बताती है कि उसके माता पिता उसे भी मारने की योजना बना रहे हैं और अगली बार उसे दीवारों में कैद कर देंगे। उसके भाग्य को साझा करने से बचने का उसका एकमात्र मौका उन्हें मारना है जो वह उनके खाने में चूहे मारने की दवा डालकर करता है और फोन लाइन को काट देता है ताकि वो एम्बुलेंस को कॉल ना कर सकें। दोनों माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। मार्क जहर के कारण मर जाता है और वह पीटर द्वारा सीढ़ियों से नीचे गिराए जाने के बाद कैरोलो गलती से रसोई के चाकू से खुद को घायल कर लेती है। कैरोलो के मरने के ठीक पहले वह अपने बेटे को चेतावनी देती है कि वह उसे बाहर मत जाने दो। पीटर अपने माता पिता के बेडरूम में दादाजी की घड़ी के पीछे छिपी हुई दरवाजे को खोलता है। सारा आखिरकार रेंग कर बाहर निकलती है, खुद को एक विचित्र विकृत प्राणी के रूप में प्रकट करती है। अपने भाई को पकड़ने के बाद सारा बताती है कि वह गंभीर रूप से विकृत पैदा हुई थी जिससे वह राक्षस की तरह दिखती थी। उसकी शक्ल से भयभीत होकर उसके माता पिता ने उसे बंद कर दिया और उसे अंधेरे में एक दयनीय जंगली जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बताती है कि वह पीटर को अपनी माता पिता से बदला लेने के लिए हेर फेर करती है और उसने ही हैलोवीन पर लड़की की हत्या की थी। जब से वह पैदा हुआ है सारा पीटर से नाराज है क्योंकि वह अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जीने में सक्षम है जिसे वह अस्वीकार करती है और उसे मारना चाहती है। हालांकि इससे पहले वह उसे मार सके ब्रायन और उसके चचेरे भाई पीटर से बदला लेने की योजना बनाते हुए दिखते हैं लेकिन घर पर हमला करने के बाद सारा द्वारा उन सभी को मार दिया जाता है। मिस डिवाइन आती है और पीटर को भागने में मदद करने का प्रयास करती है लेकिन सारा उस पर हमला करती है और पीटर को वापस पकड़ लेती है। जैसे ही सारा उन दोनों को खत्म करने की तैयारी करती है पीटर सारा के लंबे बालों को पकड़कर उसे वश में करने में कामयाब हो जाता है और वह एक बार फिर सारा को उसके गड्ढे में कैद कर देते हैं। वह कसम खाती है कि वह अंततः भाग जाएगी और हमेशा उसका पीछा करेगी।